हाँ चाचे दीवार। तुम्हें लुधियाना वापस लौटने के बाद घर के बीचों बीच दीवार खड़ी करनी होगी। कोई सरोकार नहीं रखना हमें अतुल से, राकेश से, कल्पना से। घर दो हिस्सों में तकसीम तो हो ही चुका है, फिर भी अगर पार्टीशन बनवाने में तुम्हें खुशी मिलती है तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी करनी। खुशी? खुशी तो मुझे उस दिन होगी जिस दिन हम ये मुकदमा जीतेंगे और मैं अतुल और राकेश का तड़पता हुआ चेहरा देखूंगा। चाहता तो मैं भी यही और जरूर ऐसा ही होगा। मैं लुधियाना वापस जाने से पहले तुम्हारे पास पूना यहाँ इसलिए मिलने आया हूँ ताकि जान सकूं कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तुम मेरी क्या हेल्प करोगे चाचे? मेरा तो पूरा करियर तबाह होने को। क्यों? क्यों? क्योंकि अब सिविल अथॉरिटी से मेरा केस मिलिट्री अथॉरिटी ने अपने हाथ में ले लिया। राकेश और राजकुमार की शय पर उस इंस्पेक्टर ने मेरे अगेंस्ट केस इतना मजबूत कर दिया कि अब कुछ भी फैसला हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस राकेश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे गुस्से को समझ रहा हूं। नहीं चाचा, तुम मेरे गुस्से को नहीं समझ सकते। ये निशान तुम देख रहे हो ना मेरे चेहरे पर, ये निशान देखकर मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं एक मिलिट्री का अफसर होकर एक पुलिस वाले से पिट कर आ गए। ये निशान तो मेरे चेहरे पर रहेगा मरते दम तक, लेकिन मैं मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा कि इसका जिम्मेदार वो राकेश ही था। हाँ तुम लुधियाना जाओ, कल मुकदमे का फैसला है और मुझे तुमसे ये खुशखबरी सुनने की बेताबी रहेगी कि दिलीप और रंजीत मुंह के बल गिरे हैं और मुकदमा हमने जीत लिया है। ओके बाय। डैड, ये चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? हाँ है तनु बेटे। कितना हो गया? 12 फुट आओ जी। क्या? 32 फुट हो जी। 32? इस 32 फुट के लिए रकम कितनी मांगी थी? 30,000 साहब। 30,000? देखिए साहब, दीवार बनाने के लिए आपने ऑर्डर दिया, मुश्किल ये है कि आज शाम तक ही काम खत्म करना है। ये रकम तो नहीं मांगी मैंने। तुम इस काम के लिए मुझसे ज्यादा रकम भी मांगते हो? रकम देगा। हंसी मुझे तुम्हारे अनाड़ीपन पर आ रही है। बहरा, इस घर के बीच की दीवार आज शाम तक बन जानी चाहिए। रकम जो मांगोगे मिलेगी। शुक्रिया महाराज जी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रंजीत? क्यों, मैंने क्या किया है भाभी? आते ही ठेकेदार को बुला लाया तो? ये दीवार तो बनी जानी चाहिए भाभी। लेकिन क्यों? मैंने दिलीप से वादा किया था कि ये काम हो जाएगा। दिलीप तो गर्म मिजाज है और बच्चा भी, पर तू? दिमाग तो मैं भी कैसे रख सकता हूँ भाभी। अच्छा अच्छा ठीक है, ले ये लस्सी पी। नहीं पीनी मुझे लस्सी। लस्सी क्या राकेश और क्या अतुल, दोनों के वकीलों ने मुझे और दिलीप को धोखेबाज साबित करने के लिए उन झूठे इल्जामों का इस्तेमाल किया जो उस ग्वालियर के बेईमान पुलिस ऑफिसर ने हमारे खिलाफ लगाए थे। और ये मत भूलो भाभी की दिलीप सिर्फ मेरा भतीजा ही नहीं, तुम्हारा बेटा भी है। और बाजी जेल की अंधेरी कोठरी में दिन गुजार रहे हैं, ये बात कैसे भूल सकती हो तुम? एक छत के नीचे नहीं रहा जा सकता, ये काम तो मुकम्मल होगा और वो भी आज ही। क्या मुकम्मल हो रहा है? ओ, तुम? पैरी पना भाभी। हेलो, 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 मॉम, हेलो, आई डोंट नो, समवन इज क्राइंग ऑन द फोन। हेलो, 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 प्लीज। हाँ भाभी, क्या हुआ?
प्लीज मैं। हेलो भाभी, भाभी बात क्या है, आप रो क्यों रही थी? कुछ नहीं ऐ भाई। ऐसे नहीं प्लीज, अब बताइए ना बात क्या है। तू यहाँ आ जा लिज, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा तू। मैं आ जाऊंगी, लेकिन अब ये तो बताइए हुआ क्या है? मैं कुबुद्धि उचट, मुझे कुछ करना नहीं आता, मेरी मत मारी गई है लिज। भाभी प्लीज मुझे बताइए बात क्या है। यहाँ चारों तरफ दुश्मनी और कड़वाहट का माहौल छा गया। बेचारे अतुल के मन में ता भी बैर नहीं, यहाँ आया तो अपने संस्कारों को नहीं भूला, पैर छुए उसने मेरे, और मैं कुलच्चिनी ऐसी निकली कि आशीर्वाद के तो बोल भी नहीं बोले मैंने। मेरे इन लक्षणों से तो मैंने लगता है कि ये गंदा माहौल मुझे खा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, अब आप ही को सब कुछ ठीक करना है वहां। मुझे अकेले से कुछ नहीं होगा लिज, तू जल्दी से यहाँ आ जा, बस मैंने यही कहना है तुझसे। हेलो हेलो भाभी, हेलो, हु इज क्राइंग ऑन द लाइन? बेटे तो पूछ रहा था ना कि कहां गए वो ब्यूटीफुल फैमिली रिलेशंस। यस वन पर्सन, तुम्हारी ताई जी, जिनको ये टूटते हुए संबंध इतना दुख दे रहे हैं, बताना मुश्किल है। हाँ वकील साहब, हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा मुकदमे का फैसला सुनने के लिए। और जी सामान आ गया। गुड। किस चीज का सामान? बीबी जी वो दीवार बनाना है। कोई दीवार नहीं पाएगी इस घर में, साँचा घर का साँचा ही रहेगा। तुसी जाओ यहाँ से। ये दीवार मैं क्या ना, तुसी जाओ। अभी ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो कहना चाहिए, मेरा भी कुछ हक है इस घर पे। मेरे डैड बहुत एम्बिशियस है। मेरे डैड को अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए बैसाखियों की जरूरत है। He needs crutches to fulfill his ambitions. Crutches? उन्हें मेरे मम्मा के कंधों का सहारा चाहिए। तुम्हारी मम्मा के कंधों का सहारा? डैड को मेरे मम्मा के हिस्से की जमीन चाहिए, उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए की, और इसलिए वो मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने इस मुकदमे के लिए क्या क्या नहीं किया, कितने गलत तरीके अपनाए। अब अगर वो ये मुकदमा जीत जाते हैं तो उनका दिमाग सातवें आसमान पर होगा, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो उनकी बैसाखियां तो टूटेंगी, वो भी टूट जाएंगे। ओके टेल मी वन थिंग, इस मुकदमे का जीतना या हारना तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है? हाँ, ओनली फॉर वन रीजन। व्हाट इज द रीजन? रंजीत मामा जो दिलीप भैया के साथ मुकदमा लड़ रहे हैं, मैं उन्हें हारते हुए देखना चाहती हूँ। हेलो हेलो रंजीत चाचा, मैं दिलीप बोल रहा हूँ। हाँ दिलीप बोल, काम ठीक ठाक हो गया ना? अच्छा काम? वही दीवार बनाने वाला। नहीं वो भाभी, भाभी तुम्हारी मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने? दिलीप भाभी नहीं चाहती कि वो दीवार बने, अब अगर वो जिद पर अड़ गई तो मैं क्या कर सकता था? मेरी जगह अगर तुम यहाँ होते ना तो क्या चाचे? अरे जबरदस्ती करनी चाहिए थी, यही फर्क होता है पढ़े लिखे और कवार में। वो नहीं समझती कि वो क्या कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर रही हैं। अरे चाचे अगर जबरदस्ती करके अभी एक्शन नहीं लिया गया ना तो इस राकेश की वजह से हमारी जिंदगी नासूर बन के रह जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल इस काम को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, बाद में जब भाभी नॉर्मल हो जाएंगी तो मौका देखकर बनवा देंगे दीवार। लेकिन चाचे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें मम्मी के नॉर्मल होने का क्या कंसर्न है। जब से चाची की डेथ हुई है ना, भाभी के मन में ये बात बैठ गई है कि ये सब उन्हीं की वजह से है, जो कुछ हद तक सच भी है। शायद उसी का पश्चाताप भाभी ये दीवार ना बनवाकर करना चाहती है। This is all rubbish, चाचे। मैं बात करूंगा उनसे। Where is she? Please, please, give me some time. मैं खुद उन्हें पहले कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। बेटर होगा तुम बाद में खुद फोन कर लेना। दिलीप का फोन था ना? हाँ भाभी। दीवार बनाने वास्ते कह रहा होगा?
दे उससे, और तू भी सुन ले कि नहीं बनेगी ये दीवार। जब तेरे पाजी जेल से वापस आ जाए ना, तब कर लेना जो मन में आए। जेल से वापस, अभी एक ख्वाब है जो तुम दिन में देखती हो। ये सच्चाई है कि दिन के ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। इंसान उम्मीद तो नहीं छोड़ देता ना। देख रंजीत, इस घर में पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। मेरे में और ताकत नहीं है सहन करने की, मैं टूट चुकी हूं। भाभी, देखना एक दिन तो ये सब होना ही था ना। जब दिलों में इतनी ऊंची दीवार पड़ गई तो फिर इस दीवार की क्या जरूरत। जरूरत है भाभी, जरूरत है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आज हर चीज को भावनाओं से नहीं तोला जा सकता। क्या कुछ नहीं किया तुमने इस घर के लिए, नौकरानी बन के रह गई, मेड, रोटियां बनाने वाली, और क्या मिला तुम्हें उसके बदले? मगर मैंने कभी किसी से शिकायत तो नहीं की ना। मैं तो उसमें भी खुश थी, कभी किसी के आगे कुछ नहीं कहा। यही तो भाभी, यही तो, कभी कुछ नहीं कहा, और एक बार जब मुंह खोला तो सबकी नजरों में गिर गई। कहने को तो ये साझा परिवार था। बाजी, आप, अतुल को डॉक्टर बनाना था इसलिए मुझे अमेरिका जाना पड़ा और पैसा कमाने। रंजना को लुधियाना में ना रखकर दिल्ली हॉस्टल में रखकर पढ़ाया, कॉलेज करवाया, और ये सब भार किस पर आया? बाजी पर ना, यहां तक कि वो कर्ज में डूब गए, और अब जब जमीन का मामला आया है तो चाची के जमाई राजा आ गए हैं मलाई खाने के लिए। और भाभी, भाभी तुम कहती हो कि दीवार नहीं बनेगी। याद रखो भाभी, इस घर की दीवारें तो पहले ही हिलने लगी हैं, अब तो सिर्फ छत गिरनी बाकी है। रंजीत, हर बात को उल्टा नहीं सोचते पुत्र। मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई सी जो तू इस तरह की बातें करने लगा? वक्त, भाभी वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त ये भी तो सिखाता है कि हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हौसला ही तो रखा है भाभी, वरना अब तक तो। खैर, मैं कोर्ट जाता हूं, देखते हैं वहां वक्त क्या कहता है। मॉम, तुम्हें लुधियाना जाना हो तो तुम बेशक जा सकती हो, बट आई विल स्टे पुट हियर। बेटे, यू नो वेरी वेल कि राखी आ रही है। मुझे राखी बनवानी है तनुजा से। तनुजा से राखी बनवाएगा? तनुजा से? हाँ, इसलिए क्योंकि तनुजा से राखी बनवाने का प्रपोजल मेरा ही था। व्हाट्स नेम फॉर कम्युनिटी? जाट, या जाट, वो भी पंजाबी जाट। कहकर पीछे हटने वालों में से हम नहीं है। पापा ने ही बताया था। और तुम्हारे पापा ने मना किया था ना तुम्हें उस घर से कांटेक्ट रखने के लिए? हाँ, मैंने सुना था। मेरे पास तनुजा का एड्रेस था, फिर भी मैं उसे मिलने नहीं गया। मैंने उसे फोन तक नहीं किया, पर मैंने फैसला किया है कि मैं ये रिस्ट्रिक्शंस राखी के दिन तक ही रखूंगा। फिर चाहे मुझे आपके या डैड के ऑर्डर्स डिफाई क्यों ना करने पड़े, मैं तनुजा के घर जाऊंगा। आशीष, they may not allow you inside, do you know that? That's my problem, not yours. Ashish, you're being very stubborn. कहाँ ना जाऊँ? और फिर अमेरिकन भी। जेद और स्टबर्ननेस हम लड़कों का बैज है। यहाँ पहनने के लिए बिल्ला। ठीक है, मैं भाभी को फोन करके बता देती हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तनु, क्या हुआ बेटे? होना क्या है? मेरा कोई भाई नहीं तो न सही, मर तो नहीं जाऊंगी ना मैं।
बेटा, अब दिलीप का पूना से यहाँ आकर राखी बंधवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ना उनका आने का सवाल उठता है और ना ही आशीष का। कौन आशीष? अच्छा, रंजीत का बेटा। उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि वो यहाँ आकर मुझसे राखी बंधवाएगा, लेकिन मैं उसे राखी क्यों बांधूंगी? सही करिए, आखिर ठहरा रंजीत का बेटा, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या ना दिलीप के रंजीत गया है अदालत, जब लौटेगा तभी तो पता चलेगा ना कि की फैसला होया। यार वो सब छोड़ो, रंजीत चाचा ने जो मुझे फोन पर बताया वो तुमने ठीक नहीं किया। की बताया उसने? यही कि तुमने दीवार नहीं बनने दी घर में। तो गलत क्या किया मैंने? गलत तो तुम्हें तब पता चलेगा मम्मी, जब तुम अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपना बेटा खो दोगी, समझी? दिलीप ये मुकदमा हार गए हैं, करोड़ों की जमीन सांझी करार दी गई है, सांझी। क्या भक्त हो अतुल? हम मुकदमा हार गए हैं? हाँ, जमीन सांझी करार दी गई है। HUF, इसका तो यही मतलब हुआ। हार मानने वालों में से नहीं हूं, कुछ करना होगा। अपील करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। मतलब? जीजा जी, कल्पना दीदी और मैंने मिलकर फैसला किया था कि इस मामले में अदालत जो भी फैसला देगी हमें कबूल होगा। बहुत खूब अतुल, तुमने कल्पना को अच्छा बेवकूफ बनाया, क्योंकि तुम्हें तो जमीन का अच्छा खासा टुकड़ा मिल जाएगा, लेकिन एक लड़की होने के नाते कल्पना को एक चप्पा भर जमीन भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझे? मुकदमा हम भी हारे हैं और तुम भी हारे हो, लेकिन तुम्हारे हिस्से में जमीन सिफर है, सिफर। मैं और दिलीप अपने हिस्से की जमीन से करोड़ों पैदा करके दिखाएंगे तुम्हें, और तुम देखते रह जाओगे राकेश सिंह। यू शट अप।